दान दिया नहीं जाता, दान तो बेचारा देता है। अंदर समझ में आएगा, वो देना पड़ता है उसे। दान जिस दिन आदमी अंदर से देना, वो तो परिणति ही अलग है। सम्यक दृष्टि के अलावा कोई दान नहीं दे सकता। बोलो, मिथ्या दृष्टि जब भी दान देगा, लौकिक प्रयोजन से, लौकिक वांछा से देगा ही देगा, इसके बिना दे नहीं सकता। इसके लिए प्रमाण है। इसके लिए प्रमाण दूं? इसका प्रमाण ये है, तुम पैसा वहां देते हो जहां शास्त्रों में लिखा है कि बहुत पुण्य मिलता है, और अथवा वहां देते हो जहां दान देने से नाम बहुत मिले। तुम्हारी दो ही चाह है, पुण्य मिलना चाहिए। इसलिए देखो, जे प्रतिमा का बाजार गर्म है, जैनियों में इतनी प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं। आपने सोचा ये क्यों हो रही है? क्योंकि इसका रिजल्ट पता चल गया, मूल पता चल गया कि जे जैनी प्रतिमा के नाम पर पैसा देने में नंबर एक है। प्रतिमा 10,000 की, प्रतिमा कितने की? 10,000 की, 5,000 की। और प्रतिमा के पैसे कितने लेते हैं? 1,21,000, 2,21,000। समझ में आया? तो कितना प्रॉफिट है? 10,000 का इन्वेस्टमेंट और 1,21,000 मिले। अब एक सुनो मेरी बात, अब मान के चलो अपन 100 प्रतिमाएं करा दें तो सीधे 1 करोड़ हो गए हैं। तो अब लोग कह रहे कि जे इतनी प्रतिमाएं, इतनी प्रतिमाएं क्या करें? तुम्हारी जब आते ऐसी पड़ी हुई हैं, तुम प्रतिमा के बिना दान नहीं दे सकते, तो भैया वो तो होना ही है। फिर दूसरा, तुम मान के लिए दान देते हो, तो ये क्यों है? ये साइड इफेक्ट, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, और मिथ्या दृष्टि जीव इन्हीं प्रयोजनों से दान कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। तो लेने वाले भी मिथ्या दृष्टि और देने वाले भी मिथ्या दृष्टि, समझ गए? तो भैया फिर बाद में ढूंढते फिरते हो, नहीं मिल रहे सम्यक दृष्टि। कहाँ से मिलेंगे सम्यक दृष्टि? कैसे मिलेंगे सम्यक दृष्टि? हैं, आज अपन धर्म के नाम पर कितना पैसा खर्च करने को तैयार है, प्रतिमाओं के नाम पर, इसके नाम पर। लेकिन एक वास्तविक तत्व ज्ञान के लिए, एक सम्यक दर्शन की बात के लिए अपन क्या करने को तैयार है? क्या पड़ी हमें? इसलिए ये बात अच्छे से समझ लें कि ये दान वगैरह भी मान के लिए ही जाता है। सम्यक दृष्टि ही दान कर सकता है, सम्यक दृष्टि ही दया कर सकता है, सम्यक दृष्टि ही पूजा भक्ति करता है, सम्यक दृष्टि ही वो सारी बातें जो धर्म के नाम पर है वो सम्यक दृष्टि ही करता है। मिथ्या दृष्टि उनका ढोंग करता है। क्या कहा मैंने? क्योंकि सम्यक दृष्टि के अंदर से आचरण आता है। क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि का आचरण अंदर से आता है और मिथ्या दृष्टि का आचरण बाहर से आता है। परंपरा से आता है, शास्त्रों से आता है, सत्संग से आता है। आप पकड़ गए कि नहीं पकड़ गए? हैं, एक आदमी ने दुनिया में सबसे बड़े धर्मात्मा होने की सोची कि मुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा होना नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया? दुनिया के सारे दर्शनों का अध्ययन किया, और उन दर्शनों में जो सबसे बड़ा उनका नियम बताया गया, उस नियम को पालने लगा। ऐसे सब नियम पालने लगा। कितने नियम हो गए? कि भाई 15-20 नियम हो गए उसके, और वो बहुत बड़ा धार्मिक हो गया। दुनिया जहाँ जा, अरे आप कहे नियम हो जो जैनियों का था, मैं नहीं करता। ओ जब जैनी भी सब सब सबसे बड़ा। फिर किसी ने कहा कि ये सब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम इससे अहंकारी हो गए हो, तो मैं थोड़ा विनयशील होना चाहिए। तुमने कहा वेरी गुड, विनय भी साध लेंगे। क्या कर लेंगे? जय जिनेन, जय जिनेन। कैसी है मेरी विनय? अब तो ठीक है, अब तो घमंडी नहीं हूं। क्यों? विनय को ऐसा साधा जाता है, हैं? विनय ऐसे सत्ती है। अरे भाई, तेरे अंदर से आनी चाहिए विनय। ये तेरे अंदर से, तू तो ये सब ओढ़ता चला जा रहा है। ये बताओ तुम्हारा नियम क्या है? कि हमारे यहाँ साहब नियम है कि पानी छान कर पीना। बिल्कुल, कल से नियम हो गया। और बोलो, और क्या नियम है तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ नियम है साहब ऐसे ऐसे खाना पीना, लो साहब नियम। तो ये तो सब क्या है? कोई आचरण थोड़े ही है ये, तो भाई दूसरों के द्वारा, परंपरा के द्वारा बताया गया, तुमने ओढ़ लिया। अंदर से आया क्या?
दया का भाव अंदर से आया क्या, करुणा का भाव अंदर से आया क्या? प्रश्न तो ये है। दान का भाव देखो, हमारा दान का भाव कैसा है? अच्छा, दान का भाव कैसा है? ये जो बड़े बड़े दान इकट्ठा करने वाले होते ना, ये पता पर्दे के पीछे क्या चर्चा करती? माहौल बनाना है, माहौल। अरे नहीं पता आपको? अरे तुम जैन साहब से पूछ लिया करो, ये कोई कम विद्वान थोड़ी है। क्या बनाना है? माहौल बनाना है, माहौल। अरे यार इतना सीधा है, मैं क्या बताऊँ? वो ऐसा बोलते हैं ये बड़े बड़े प्रतिष्ठा, माहौल बनेगा, माहौल। ये माहौल कैसे बनेगा? सुनो सुनो, माहौल कैसे बनेगा कि जो प्रवचन करता है ना, उसको इशारा कर देते हैं कि आज अपन को दान इकट्ठा करवाना है, ठीक है? एक तो इशारा ऐसे कर दिया, तो ये क्या करता है, लास्ट के 15 मिनट मोड़ देता है प्रवचन को दान पे, ऐसा ऐसा घुमा देता है, गुगली होती ना, गुगली घुमा देता है, और फिर एकदम दान पे भाषण चालू हो जाता है। जिनके दान देने के भाव नहीं आते, वे जीव तो नरक ही जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ लीजिए यही सयानो काम। ये कहाँ ले जाओगे संपदा, ये परिग्रह नरक का कारण है, अरे यहाँ दे जाओ। अब जैसे अब जो माहौल, अब समझना, तुम सोचते कि हमने दान दिया, तुम्हें क्या लगता है कि हमने दान दिया? तुमने दान दिया नहीं, तुम्हारी जेब से दान निकलवाया गया, ठीक है? क्यों? अगर तुम असली दान वाले थे तो हम एक सूचना करते कि भाई ये काम है, तुम कहते भाई साहब लिखो तुरंत, लेकिन अपन ऐसा नहीं करते। अभी देखना, अभी मैं तुमसे कहूँ लाओ पैसे, नहीं लाओगे। अभी 1 रुपया नहीं, तो अभी तुमसे 1100 रुपये नहीं ले सकता मैं। अभी 1100 रुपये देने में तो भारी लगेंगे, लिख लो अभी। अभी मैं तुमसे 2100 रुपये मांगूँ तुम्हें भारी लगेंगे, हम कैसे दे दें यार अभी, हमें कोई मतलब। और अब भी मैं यहाँ बड़ा विद्वान बुलाऊँ, 1000 की जनता बुलाऊँ, तुम ही जो 2100 रुपये देने में रो रहे थे, 1100000 बोल सकते हो? कितने बोल सकते हो, कल्पना कर सकते हो? देखो सेठ जी को पता है, ठीक है कि नहीं? और फिर ऐसा उसने सेट किया, फिर सेट किया, फिर एकदम वो आ गया, देखो जी अभी हमें पंडित साहब ने कितनी बढ़िया प्रेरणा दी है, अब हम आपको ये बताना चाहते, हमारे एक मंदिर बन रहा है, बस वो जुड़ा ट्रैक। और फिर कई लोग ऐसे भी होते उसमें कि वो एकदम अब ऐसे फिर भी ऐसा बोल दिया, अब नहीं बोल रहे, तो एक दो तैयार रहते हैं, देखो जी हमारे, बस एक दो ने हाथ उठाए, फिर धीरे 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 हमारे भी लिखो, 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 समझे? अभी कहाँ से आ गया, अभी तक कहाँ? ये सब भाव आप सोचते हो कि हमारे अंदर से, अरे अंदर फंदर से नहीं आए, ये सब आपको एक बाहर से माहौल क्रिएट करता है और आप भावुक हो जाते हो, इतनी सी बात है। इसलिए सम्यक दृष्टि ही दान करता है।